बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं मास्टर अली गौहर चक नानकपुर से अपने गांव नानकपुर की हिस्ट्री बयान करना चाहता हूं। मेरा गांव नानकपुर और इसके इर्द गिर्द गांव जितने भी हैं, जिनमें हमारी गांव बलियाली जो था वो आबाद है, उसमें चकबेदी, गुरुचक, कोटमान सिंह, करतारपुर, 24-25 SP, ये तमाम चकूक शामिल हैं। तो हमारे बुज़ुर्ग जब आए यहाँ तो ये इलाका बड़ा सरसब्ज था, लोगों ने इस इलाके का इंतखाब कुछ समझ कर ही किया था। ये तमाम चकूक बड़े बेहतरीन हैं, लेकिन इनमें से जो मेरा गांव नानकपुर है, ये इसकी चंद एक खूबियाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी खूबियों को देखते हुए हम काफ़ी लोग पढ़े लिखे इस गांव में आबाद हैं, जो कि इसको छोड़कर शहर या दूसरे इलाके में जाने को प्रेफर नहीं देते। इस गांव में तकरीबन 30 से 35 टीचर, मेल टीचर हैं, कोई 20 के करीब फीमेल टीचर हैं। मुख्तलिफ महकमों में, DC ऑफिस में, वापडे में और जनाब ज़्यादातर फ़ौज में लोग मुलाजिम हैं। पूरे गांव में सोलिंग लगा हुआ है, बेहतरीन किस्म की नालियां हैं, और सबसे बेहतरीन काम जो है इस गांव का अमन है। इर्द गिर्द जितने भी चकूक हैं, इस गए गुज़रे हालात में नफसा नफसी के आलम में भी इस गांव में माशाल्लाह अमन की ये सूरत हाल है कि लोगों के माबैन कोई बहुत बड़ा झगड़ा या अदालती तौर पे कोई मुकदमा नहीं है। इसकी बड़ी वजह एक है, वो ये कि ये गांव जब बलियाली से उठकर यहाँ आए तो हमारे साथ एक अल्लाह के वली अमीनुद्दीन महमी साहब साथ तशरीफ़ ले आए। उनका यहाँ मकबरा भी है और वो इन लोगों के, हमारे बुज़ुर्गों के माँ बहन कई साल ज़िंदा रहे। उनकी बरकात की वजह से आपस में लोगों में इत्तफाक और भाईचारा इतना है कि बहुत बड़े बड़े मुकदमात मैंने खुद देखे हैं कि अदालतों में घसीटने के बावजूद लोगों ने यहाँ बैठकर ऐसे हल किए कि वो आज तक लोग आपस में शेर व शुक्र हैं। अब अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत दी कि हमारे गांव में एक नौजवान राणा अमजद जो है वो नाज़िम यूनियन काउंसिल बना, और उसमें भी यही स्पिरिट देखी कि उसने मुख्तलिफ चकूक में, परतापे में बहुत बड़ा झगड़ा था, उसको सॉल्व किया। 24-25 में कुछ झगड़े कत्ल के थे, वो उसने सॉल्व किए, और अपने चक की तो उसकी ऐसी मिसाल है कि अगर कोई गली भी ख़राब हो जाती है तो वहाँ जाके वो खड़ा हो जाता है और उसको ठीक करवाता है। इसी तरह से शर्मो हया के लिहाज से ऐसा है कि गली में अगर किसी की बेटी आती हुई नज़र आए तो लोगों में इतनी गैरत है कि उसकी नज़रें झुक जाती हैं। दुकानों में दुकानदार ईमानदारी से अपना काम करते हैं, और ज़्यादातर लोग किसान हैं, वो भी अपनी मेहनत से अपने काम में मगन हैं, और ऐसा अच्छा माहौल है कि यहाँ से कहीं दूसरे शहर या कोई और बड़ी जगह जाने को दिल नहीं चाहता। मेरे गांव में बाकायदा 12 लोग रात को रिटायर्ड फौजी पहरा देते हैं, जिनकी हम तनख्वाह हर घर से 100-100 रुपए के हिसाब से देते हैं, जो रात को आराम के साथ लोग सुकून के साथ सोते हैं। उसके बाद हमारे गांव में 2 एकड़ ज़मीन पीर साहब हाजी मोहम्मद इंतज़ार साहब ने लेकर खुद अपनी मदद आप के तहत और बच्चों को खेलने के लिए दी, जो कि आजकल राणा अब्दुल गफ़ार, एक बच्चा DC ऑफिस में है, उसकी एफर्ट से हमारे गांव में अब हॉकी का ग्राउंड जो है वो ट्रफ उसमें बिछ चुका है। 4 दीवारी, उसके अंदर तमाम वो लवाजमात हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड में होते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा दर्स है जिसकी 12 एकड़ ज़मीन है, जो कि उसकी माली अमूर के लिए काफ़ी है।
उस दर्स में बच्चे पढ़ते हैं। दरबार से वो मुल्हिका है और बड़ा ख़ूबसूरत दर्स और मज़ार, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। पढ़े लिखे काफ़ी बच्चे हैं, कोई यहाँ हाई स्कूल नहीं है, कॉलेज दीपालपुर या पाक पतन जाना पड़ता है, लेकिन बच्चे फिर भी यहाँ से काफ़ी बच्चे MSc BSc MS और 4-5 बच्चे तो यहाँ फ़ौज में कमीशन के तौर पे भर्ती हुए हैं, जो कि अब लेफ्टिनेंट और कैप्टन बने हुए हैं। इस गांव में सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक कोई कत्ल वगारत या कोई लड़ाई इतनी बड़ी नहीं कि आपस में अनाद आगे बढ़ता चला जाए। बहुत खूबसूरत सी एक हमारे पास ईदगाह है, 7 कब्रस्तान है, और हमारा गांव जो है चकबेदी मेन सड़क दीपालपुर को जाने वाली के से थोड़े से डिस्टेंस पे है। बूंगा हयात गांव जो है, अड्डा बूंगा हयात हमारे करीब है, मेन गांव करीब हमारे चकबेदी है, जिसमें तमाम सहूलत, हायर सेकेंडरी स्कूल है, गर्ल हाई स्कूल है, इस तरह हॉस्पिटल जो है वो बूंगा हयात में है, और ये तमाम सहूलतें हमें कहीं और जाने को जाने पर आमादा नहीं होने देती। इसी तरह से अगर हम अपने एग्रीकल्चरल भाइयों को देखें तो बड़ी अच्छी ज़मीन है, 2 राजबाहों का इस गांव को पानी लगता है, और बेशुमार ट्यूबवेल वगैरह हैं, बड़ी अच्छी किस्म की काश्तकारी लोग करते हैं, काश्तकारी के लिहाज से भी गांव बेहतरीन किस्म की ज़रखेज़ ज़मीन से मालामाल है।